इधर के पब्लिक मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार तो ऑलमोस्ट होगी। अंदर तक गए लेकिन अंदर सब कुछ बंद है, जाना फजूल है। आपको क्या मिला भाई? कुछ भी नहीं मिला, अंदर जलील हो गया है। दो घंटे क्यों पैसे नहीं लेकर आए थे क्या? अच्छा, इसकी जो मार्केटिंग हुई ना वो ज्यादा हो गई। तो भाई ये सारे जो मेरे आगे पीछे आप नजर आ रहे हो ये सारे भाई, प्रोग्राम तो बढ़ गया भाई, सारे रोड बंद हो गए। जोहर चोरंगी गुलिस्तान जोहर पूरा तकरीबन बंद है। ये कोई पीटीआई का जलसा वलसा नहीं हो रहा भाई, ये तकरीबन आपने 5-6 दिन से टिकटॉक पर, हर चैनल पर, फेसबुक पर देखा होगा 50 रुपए की शर्ट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है चलकर देखते हैं। जोहर चोरंगी से आने वाला रोड बिल्कुल बंद हो चुका है, ट्रैफिक जैम हो चुका है, जैसे तक आप देख रहे हो। थोड़ा आगे और चलकर देखते हैं भाई, आखिर मसला क्या है, इतनी भीड़ ये चेज़ब पर है, कहाँ पर है? अरे भैया ये तो वहीं पर है, 50 रुपए वाली सेल पर। ये देखो भाई, लेडीज मेल फीमेल केफसी के नीचे तक खड़े हैं, मतलब वहाँ तक तो जा नहीं सकते, इतनी रश है यार। ये देखो भाई, हम कोशिश करेंगे, हम आगे जाएंगे, भीड़ और रश हो कुछ भी हो, हम लोग अंदर जाएंगे भाई। ये देखिए भाई, जाने का रास्ता मिल गया। और आगे भाई बचत बाजार, मतलब 50 रुपए की शर्ट मिलने वाली है। और इन्होंने बड़ी मार्केटिंग की हुई थी टिकटॉक पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कि भाई 31 तारीख को यहाँ पर सेल लग रही है, तो सेल के चक्कर में ये आ गई है भाई। देखो ड्रीम बाज़ार 50 लिखा हुआ है ना, ड्रीम बाज़ार 50 रुपीज़ में शर्ट मिलेगी। तो भाई गेट तो बंद नज़र आ रहा है, भीड़ इतनी है, आने जाने का रास्ता बंद। अगर ये सारे लोग अंदर जाएंगे भाई तो लेने वाला और देने वाला तो दोनों फंस गए, मतलब ये पूरा शॉपिंग सेंटर अंदर से भर जाएगा, लोग ही लोग होंगे अंदर, शर्टें फिर कहाँ नजर आएंगी भाई हमें? अब कहाँ चले, ऊपर कैसे जाएं? जाना तो है भाई, कुछ भी हो जाए, पसलियाँ टूट जाएं, लेकिन अंदर जाना यार। ये देखो यार रश, कसम से पूरा रोड ब्लॉक हो चुका है भाई। ये लोग देखो यार, यार मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आज कोई शर्ट वर्ट ले सकता है, क्योंकि इतनी रश हो गई है ना, तो इतना तो मुझे लगता है मटेरियल भी नहीं होगा। हाँ दोस्त, आपको क्या मिला भाई? कुछ भी नहीं मिला, अंदर जलील हो गए हैं। दो घंटे क्यों पैसे नहीं लेकर आए थे क्या? पैसे लेके आए बहुत सारे, लेकिन अंदर कुछ है ही नहीं था। अंदर चले गए थे आप? जी अंदर गए, रश में जलील हो गए हैं। वापस आए हो जी? ये बंदा बहुत देर से मैं देख रहा हूँ यार। मेरे को ये बता भाई, आपने बड़ी मेहनत की अंदर जाने की, क्या हुआ अंदर भाई? जोर मोड़ से आने में इतनी मेहनत करी है, 1-2 घंटा वहाँ से लग गया, जुम्मे के निकले में पहुँचते पहुँचते 1.5 घंटा यहाँ लग गया। तो क्या यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है क्या? इलेक्शन नहीं हो रहा, शायद फ्री में कुछ बट रहा है, देखेंगे अभी अंदर जाए। 3-4 घंटे लगेंगे अंदर, 3-4 घंटे लगेंगे भाई। कह रहा अभी अंदर जाएंगे आप, है ना? अंदर जाएंगे। लेने क्या आए हो? लेने आए लंडा, बोल रहे लंडा है कोई सस्ता लंडा। भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, रश भी बढ़ती जा रही है, मतलब इंतजामिया जो बहुत परेशान हो गई है कि भैया भाई करें क्या, इतने सारे लोग आ गए हैं और इंतजामिया भी परेशान हो गई बेचारी कि अब करें तो करें क्या। मुझे तो लगता है भाई अभी ये पुलिस को बुलाएंगे या रेंजर्स को बुलाएंगे कि भाई आके यहाँ पर सेफ्टी, शॉपिंग सेंटर की सेफ्टी करो, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हो गए और नमाज के बाद तो और लोग, मतलब ये आप जहाँ तक देख रहे हो रश ही रश है, मतलब जोर चोरंगी से लेकर आगे राबिया सिटी है पूरा भरा हुआ है। भाई एक बात तो तय कि इस शॉपिंग सेंटर का जो नाम है वो तो फेमस हो चुका भाई। आखिर वही हुआ जिस बात का मुझे डर था, मुझे लग रहा था ऐसा होगा, क्योंकि लोगों ने धाबा बोल दिया और अंदर से सिक्योरिटी ने भी भाई डंडे वंडे उठा लिए, अब लोग भाग रहे हैं। ये देखो भाई कितनी स्पीड में आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं भाई, ये मसला बहुत ही ख़राब हो चुका है। आगे मुझे लगता है मुझे भी साइड पकड़नी पड़ेगी, वरना कहीं ना कहीं से डंडा मुझे भी पड़ जाएगा भाई। अब गलत हो रहा है, अब जो लोग हैं सारे वो सारे गेट की तरफ भाग रहे हैं, मतलब लड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर रेंजर्स आ जाएंगे और वहाँ से भाई डंडे आ गए, भागो भाई भागो 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 भागो। अरे भाई किसी की चप्पल नहीं, किसी का शूज नहीं, किसी का मोबाइल नहीं, ये क्या हो रहा है भाई? भागो भागो भागो। भाई मैंने सोच लिया है अब अंदर जाना है, डंडे पड़े कुछ भी करे मुझे अंदर जाना है भाई, कुछ भी हो जाए। ये भाई देखो भाई, अरे भाई ऊपर करो यार, ऊपर करो ऊपर करो। चलो भाई चलो 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 भाई, खुल गया मुझे लगता है रास्ता खुल चुका है। अरे भाई आके सट यार, ओ भाई 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 सॉरी भाई सॉरी सॉरी सॉरी, ये भाई थोड़ा ऊपर आ गए। अब देखो भाई नीचे देखो, नीचे देखो, ये देखो भाई कितनी रश है, यहाँ ऊपर तक आ गए भाई, हम ऊपर आ गए हैं। और ये सामने मेरे शॉपिंग सेंटर है, मेरे पीछे बिल्कुल
और ये देखो भाई, लोग इतने यहाँ पे इकट्ठे हो गए कि अंदर एक साथ अगर जाएंगे तो शीशे वीशे टूट जाएंगे। अब एक साथ तो अंदर जा नहीं सकते और गेट छोटा सा है, करें क्या भाई। अरे भाई आओ भाई, धक्का नहीं दे, धक्का नहीं दे भाई। अपनी जेबें संभालो, अपनी जेबें संभालो, मोबाइल पकड़ो अपना। अंदर मत जाओ भाई, अंदर मत जाओ। मिली शर्ट? मिली क्यों? पैसे नहीं लाए हो क्या? कहाँ है पैसे? पैसे नहीं लेकर आए हो? अरे हाथ में रखो, ये देखो पर्स मैंने हाथ में रखा हुआ है ना, हाथ में रखो, चीजें हाथ में रखो, अपनी चीजें हाथ में रखो। बल्दिया टाउन से आए, अभी तक कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पे गुआरी हो रही है। बल्दिया टाउन से आए हो? वो सामने वाला गेट जो है ना वो खुल चुका है, ये वाला गेट खुल चुका है, ये आपके सामने, ये देखो भाई यहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं, ये देखो अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, सारे लोग अंदर जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता अंदर इनको कुछ मिल सकता, क्योंकि अंदर इतनी भीड़ है। फिर डंडा लेकर कोई निकलता है, ये भीड़ फिर वापस आती है। ये देखो भाई, ये है ड्रीम बाजार। ड्रीम बाजार कुछ लिया है? अंदर गए हो? ये हम आ गए भाई, अंदर तक आ गए, अब अंदर तक तो आ गए। अब तो भाई क्या हो गया भाई, क्या हो गया? फाइनली गेट ये है भाई, फाइनल गेट, ये गेट है भाई। इसके अंदर दो गेट लगे हुए, दोनों गेट फिलहाल बंद है, अंदर अंधेरा है। अपने मोबाइल पर्स अपने पास रखो। ये मॉल बंद पड़ा, मॉल बंद हो गया, बंद हो गया भाई, कह रहे बंद। हम ऊपर तो आ गए, लेकिन भाई यहाँ पर इंतजामिया बेचारी खुद परेशान है, क्या करें, इंतजामिया खुद परेशान हो चुकी है। ये सारा सिस्टम बंद, सारा सिस्टम। भाई तकरीबन हर चीज बंद हो गई है, हर चीज बंद हो गई है, शॉपिंग सेंटर पूरा बंद हो चुका है, लेकिन रश अभी जाने का नाम नहीं ले। शॉपिंग सेंटर तो बंद हो गया ना, बंद हो गया। पीछे देखो मेरे, बंद हो गया। और हमारा ये हाल हो गया भाई, देखो हमारा ये हाल हो गया। और रश देखो, नीचे रश देखो। इनको रेंजर्स को बुलाना चाहिए, तभी ये मसला हल होगा, मुझे तो ये लग रहा है भाई। अब हम नीचे जा रहे हैं भाई, अंदर तक गए, लेकिन अंदर सब कुछ बंद है, जाना फजूल है। अंदर तक हम गए, अब हम बाहर आ गए। यहाँ पर आप कैसे आए हो? यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग कर रहा था भाई, बुलाया गया था यहाँ पे ड्रीम बाजार। तो फिर क्या हुआ, कुछ मिला? देखो ना भाई, चल हम दोनों भाइयों की एक जैसी हालत है, दोनों ब्लॉगिंग करते हैं ना, ऐसे हाल भी हम दोनों के एक जैसे ही हो गया ना। ऐसे ही है भाई, अंदर के पब्लिक मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार तो ऑलमोस्ट होगी जब मैं आया था, अभी भी अंदर भी यही हाल है, अब शायद बंद कर दिया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद जहाजेब जैसी, मेरा नाम है, और फूड ट्रैवल विद जैजी। हम ड्रीम बाजार को बुरा नहीं कह रहे। अच्छा जान से पता, मैं एक और चीज बताऊं, यहाँ पर वो लोग भी आए जो जेब में 3-3 लाख रुपए लेके आए थे कि शर्ट सारी हम लेंगे, कारोबार के हिसाब से। भाई ओपनिंग पे मैनेज करें प्लीज। अच्छा इसकी जो मार्केटिंग हुई ना वो ज्यादा हो गई है ना? बस ज्यादा हो गई। देखो मैं और आप हर कोई फंसा हुआ मर रहे हैं, इवन मैं, कोई भी, जितने भी हमारे भाई है, तो भाई वो कह रहा है 50 रुपए में मिल रहा है यार, और क्या टी शर्ट थी तो 50 रुपए में मिल रहा है, तो यार आप भी लोगे। एक बंदा तो हाथ में कनूला लगा हुआ है, वो आया हुआ, एक बंदे ने 14 रिकात नमाज के बजाय 4 रिकात जुमे की नमाज पढ़ी, उसने कहा चल बेटा स्टार्ट हो जाए ड्रीम बाजार से, तो वो मुसलमान है ना भाई, वो मुसलमान है। तो भाई लोगों की जो लोग जो चाह रहे थे कि ऐसा होगा, नहीं हुआ, क्योंकि रश ज्यादा था यार। लोगों ने कारोबार के हिसाब से सोचा कि हम 2-2, 3-3 लाख की शर्टें लेंगे और अपने स्टॉल पे रखेंगे। ड्रीम बाजार ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, नो डाउट, ये आप भी मानोगे मैं भी मानूंगा। हाँ मगर थोड़ा सा मैनेजमेंट जो होती है ना, बाउंसर्स खड़े कर लेते, चीजें कर लेते यार, अच्छा यार। ये बाउंसर वगैरह ये दुबई और सऊदी में होते हैं, यहाँ कहाँ होते हैं, यहाँ पुलिस वाले बुला लेते हैं। हाँ लोगों ने तवक्का रखी कि 50 रुपए का आएगा, मगर उनको ये चीज समझानी चाहिए थी, क्वालिटी वाइज चीजें, ये प्रीमियम ब्रांड भी है। अच्छा 1500-1500, 3-3 हज़ार के, वो अलग कैटेगरी है बॉस। 12 बजे से लोग आए थे, 12 बजे भाई, 10-11 बजे से लोग यहाँ पे थे, और जुम्मे के बाद उन्होंने खोला भी लेट है, और लेट खोलने के बाद ना यहाँ पे ये मकान है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसमें आवाम के साथ क्या सुनू बोला, आवाम को धक्का देखिए, लेडीज बेचारी अंदर से ऐसे बाहर निकली है, चलो हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, मेन एंट्रेंस उनको आने नहीं दे रहा है, शीशे टूट गए अंदर, शीशे तक इनके अभी अंदर जो है लोग है वहाँ पर, नहीं
यार इतना अच्छा यूट्यूबर ही बोल सकता है, जैसे भाई ने बोला, जान साहब ने, जैसा आपने बोला, ये यूट्यूबर ही बोल सकता है। लाखों लाखों भाई, ये मेरे भाई जो मेरे साथ मौजूद है शेरी वर्ल्ड, हम लोग सारे यूट्यूबर, मतलब हम इसीलिए आए थे कि यार यहाँ पे हम भी इनको प्रमोट करेंगे कोई बिना चार्जेस के, लेकिन यहाँ का जो हाल है ना, यकीन मानो बहुत डिसअपॉइंटेड, मतलब कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जोड़ो ना, आप ये जोड़ो, ये चेक करो। अरे भाई, आप देखो यार, आप चेक करो, आवाम ना मतलब इस तरीके से वो है कि यार सस्ती चीज मिल रही है, मतलब ये है कि यार चलो 50 मिनट 100 मिनट 200-300 में तो अच्छी टी शर्ट। आप ऐसी हाइप क्रिएट ना करें प्लीज, देखिए हम तो डेली वीडियो बनाते हैं, आप भी बनाते हो अंदाज़ है, मगर ये इसके साथ बता दें भैया प्रीमियम ब्रांड भी ये है, बताना चाहिए था। अब सब समझ रहे थे 50 रुपए से 1000, पब्लिक तो वैसे ही पैसे लेकर आएगी, 1000 रुपए में नहीं बढ़ेगी। लोग समझ रहे थे चलो शॉपिंग करके भी आएंगे, अंदर से घूम कर भी आएंगे, 50 रुपए में क्या है। ये एक्सपेक्टेड था ना, मतलब आप हाइप इतनी क्रिएट थी तकरीबन ना पूरा अगस्त का महीना, आप जहाँ देख लो ड्रीम बाजार, ड्रीम बाजार, ड्रीम बाजार। मैं पब्लिक से यही अपील करूंगा, देखो अपना टाइम जाया अभी फिलहाल नहीं करो, थोड़ा रश चढ़ जाए ना भाई, जब भी आओ इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। भाई भी मेहनत कर रहे हैं यार, भाई को सब्सक्राइब कर देना, भाई निकले हुए मतलब इस हालत में ना आप लोगों के लिए वीडियो बनाने को, तो भाई को भी सब्सक्राइब करना, भाई के चैनल का नाम मुझे नहीं पता। तो भाई ये सारे जो मेरे आगे पीछे आप नजर आ रहे हो, ये सारे